find the value of a and b so that a b minus a to b multiplied by 2 minus 1. Now this is equal to 5, 4. ये हमें गिवन है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इधर ए बी माइनस ए टू बी मल्टीप्लाइड बाय टू माइनस वन, नाउ दिस इज इक्वल टू फाइव फोर। चलिए पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसरा बेटा पहला एलिमेंट बताओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बोल बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बोलो। दिशा मल्टीप्लीकेशन आता है? नो सर। मल्टीप्लीकेशन आप देख वही है ना, कल मल्टीप्लीकेशन बताया था। ये वाला एलिमेंट देखना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स की केवल रो देखेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम देखेंगे। तो देखो इधर ए मल्टीप्लाई हुआ टू से तो कितना आ गया, टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई हुआ माइनस वन से तो माइनस बी, ये एलिमेंट आ गया बेटा टू ए माइनस बी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब कॉलम नहीं है तो अब मैं सेकेंड रो पे आ जाऊंगा। बेटा भरत बताना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसमें ये वाला एलिमेंट माइनस माइनस टू ए माइनस टू बी, बिल्कुल सही है बेटा, माइनस टू ए माइनस टू बी। ये आया समझ में बेटा कैसे किया? दिशा क्लियर है? यस सर। अब मैं कंपेयर कर लूंगा बेटा, टू ए माइनस बी फाइव के इक्वल आ गया फर्स्ट इक्वेशन, और माइनस टू ए माइनस टू बी फोर के इक्वल आ गया। दोनों को एड कर दो, एड किया तो कैंसिल, माइनस थ्री बी इक्वल टू नाइन, तो बी का वैल्यू माइनस थ्री आ गया। बी का वैल्यू माइनस थ्री हम इसमें रख देंगे, टू ए माइनस माइनस थ्री इक्वल टू फाइव, टू ए इक्वल टू ये प्लस थ्री हो गया, इधर जाके माइनस थ्री, तो ए का वैल्यू वन आ गया। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। टू मार्क की प्रॉब्लम है बस, तो ये टू मार्क में इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी आपसे। क्या आया सभी को समझ में? यस सर। चलिए ये हमारी पहली प्रॉब्लम है, कॉपी करना चाहो तो बाद में कर लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कॉपी आप उससे कर लेना, लेक्चर से जब मैं वीडियो भेजूंगा तो उस लेक्चर से आप कॉपी कर लेना। नेक्स्ट, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये आ गया बेटा टू माइनस टू माइनस टू टू एंड ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो हमें पी का वैल्यू निकालना। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए, तो वो ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लो बेटे, ए स्क्वायर हो गया, एक को ए से मल्टीप्लाई करना, एक को ए से मल्टीप्लाई करना, एक को ए से मल्टीप्लाई करना। चलिए मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फोर प्लस फोर, बिल्कुल सही है, फोर प्लस फोर। आयुष फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस फोर माइनस फोर, बिल्कुल सही है, माइनस फोर माइनस फोर।
This is second row, first column. So plus four minus four. नहीं बेटा गलत देख रही है. सेकेंड रो देखी थे ना, इधर की सेकेंड रो, इधर की फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा. बोल दोबारा. माइनस फोर और फिर माइनस फोर. हाँ बेटा, इसरा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. फोर प्लस फोर. फोर प्लस फोर ये आ गया बेटा ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर हो गया हमारा एट माइनस एट माइनस एट एट. नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए. तो ए स्क्वायर हम निकाल रख चुके हैं, एट माइनस एट माइनस एट एट. पी ए मतलब इसको पी से मल्टीप्लाई करना है. टू पी माइनस टू पी माइनस टू पी टू पी. कंपेयर करो भाई, टू पी की वैल्यू किसके इक्वल है? एट. So what is the value of p? 4. p की वैल्यू 4 के इक्वल आ गई बेटा. p is equal to 4. ये p का वैल्यू 4 के इक्वल आ गई. इसमें किसी को डाउट बेटा? इसमें किसी को डाउट है? नो सर. चलिए नेक्स्ट. If capital A equal to one minus one, two minus one. अब इस वाली प्रॉब्लम में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा. ये आपके लेक्चर नंबर टू जो आपको पीडीएफ दे रखा है उसका क्वेश्चन है. एंड कैपिटल B इक्वल टू A1 B minus 1 and A plus B ka whole square equal to A square plus B square. Then find A and B. तो हमें small A और small B की value निकालनी है. Find A and B. तो हमें A और B की value निकालनी है. अब देखिए कैसे निकालेंगे, समझो. देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर? इसको ओपन करना बेटा. हाँ, अब जिसने अब यही गलती होगी बेटा, ये मैट्रिक्स है तो यहां पर टू ए भी नहीं आएगा बेटा. बस यही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें. ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ये मैट्रिक्स है. और मैंने कल भी बताया था तुम्हें ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होता है. किसी भी मैट्रिक्स में ए को बी से मल्टीप्लाई करो और बी को ए से मल्टीप्लाई करो, ये आपस में इक्वल नहीं होता है. ए बी इज नॉट इक्वल टू बी. तो बेटा याद रखना अब आगे से. अब इसको आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, तो फिर इसको कभी भी मल्टीप्लाई करना है तो फिर ऐसे करो बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे करना. ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी को दो बार लिखो. अब मल्टीप्लाई करो. देखो ए को ए से क्या है ए स्क्वायर, ए को बी से क्या है ए बी, बी को ए से क्या बी ए, और बी को बी से क्या बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ठीक है, अब आया बेटा समझ में? तो ये बचा बेटा ए बी प्लस बी ए इक्वल टू जीरो. इसका मतलब ए बी इक्वल टू माइनस बी. तो मुझे सिर्फ एक तो ए बी निकालना है और एक बी ए निकालना है और उससे हमें वैल्यू निकलेगी. क्या ये स्टेप क्लियर है अभी तक? यस सर. किसी को इसमें डाउट? अब मैं ए बी निकालूंगा और बी ए निकालूंगा बेटा. भरत बेटा क्लियर है यहां तक? यस सर. बाकी किसी को कोई डाउट बेटा? राहुल चिन्मय क्लियर है? राहुल
यस सर क्लियर है। हाँ चलो मैं सबसे पहले ए तो ए भी निकालना है और एक बी ए निकालना है। सिद्धिका ओ सिद्धिका यस सर तेरे को मल्टीप्लिकेशन आता है मैट्रिक्स का? नहीं नहीं तो सही है सर क्लासेस अटेंड करी थी मैंने पहली तो की थी कल करी थी क्या? नहीं तो फिर कैसे कैसे आएगा फिर इधर देख अब देखो ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई अभी तेरे से पूछूंगा देखना इधर और बेटा प्लीज अब रेगुलर रहना बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा। हाँ सर हाँ रिक्वेस्ट मान ले। देखो मैं ये आपका ऑर्डर 2x2 है ये ऑर्डर 2x2 है जब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों सेम होने चाहिए बेटा जो पहली बार पढ़ रहा है जो कल नहीं आया था तो ये दोनों आपस में हट गए भाई भूमिका देख लेना ये दोनों हट गए बीच में से तो आपका जो ऑर्डर आएगा वो 2x2 का ही आएगा। कैसे आएगा? जो पहला मैट्रिक्स है उसका सिर्फ रो देखना है आपको और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम देखना है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो फर्स्ट रो और इधर का फर्स्ट कॉलम सबको ये दिख रहा है सबको सिद्धिका दिशा भूमिका ये सब दिख रहा है। वन माइनस वन इधर का रो इधर का तो बेटा ये वन मल्टीप्लाई होगा ए से प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई होगा बी से तो हमारा पहला एलिमेंट आ गया ए माइनस बी। इसमें कोई दिक्कत? ए माइनस बी अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां पर आएगा। बोल सिद्धिका मल्टीप्लाई कर जल्दी कर बेटा थोड़ा सा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये वन मल्टीप्लाई होगा वन से बोल ना वन वन और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस वन को माइनस वन से करोगे तो कितना आएगा प्लस वन तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिशा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा बेटा सर टू ए और माइनस वन माइनस वन नहीं बेटा माइनस बी सॉरी हाँ भूमिका सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगी सर माइनस वन प्लस अरे 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 सेकंड रो सेकंड कॉलम अच्छा सेकंड रो इधर की सेकंड कॉलम इधर की अब बोल जल्दी सर टू माइनस वन माइनस वन कैसे आया बेटा ये माइनस वन और माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस प्लस वन और काय के लिए बुला रहा हूँ मुझे पता है ना तेरे गड़बड़ मामला है इसलिए तो तेरे को और बोल रहा हूँ कि भाई आया कर बेटा क्लास ये हमारा ए बी आ गया बेटा दिस इज ए बी ये हमारा ए बी आ गया ए माइनस बी टू टू ए माइनस बी थ्री अब बेटा बेटा यहाँ पर मैं बी ए निकाल रहा हूँ इस पर बी ए वन बी माइनस वन वन माइनस वन टू माइनस वन बेटा भरत बोलना बेटा बी ए का फर्स्ट एलिमेंट ए ए प्लस टू ठीक है ए प्लस टू किनमें बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला एलिमेंट बोलना बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सॉरी जोर से बोल बेटा थोड़ा ए माइनस वन कैसा आएगा बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो ए सेकंड कॉलम माइनस तो ए को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ए और माइनस वन तेने ए माइनस वन बोला था माइनस ए माइनस वन क्लियर क्लियर यस सिद्धिका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज समझ में आ रही है सेकंड रो का मतलब ये वाला है और फर्स्ट कॉलम का ये वाला है कर बोल बी माइनस वन माइनस वन कैसे हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ तू इसको इससे क्यों कर रही है ये इससे होगा ये इससे होगा अलग अलग होते हैं बेटा मल्टीप्लाई सेकंड रो का पहला एलिमेंट सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट
सेकंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट वापस में मल्टीप्लाई होगा ऐसे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, क्लियर? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट नमन, सेकंड रो सेकंड कॉलम। माइनस बी प्लस वन। बिल्कुल सही है, माइनस बी प्लस वन, ये हमारा बी है अभी, लेकिन मुझे चाहिए माइनस बी है, तो मैं माइनस से सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस ए माइनस टू ए प्लस वन, माइनस बी प्लस टू बी माइनस, ये हमारा माइनस बी आ गया। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब मुझे जब, मेरे को याद करो, हमने जब स्टार्टिंग किया था, इसको सोल्व किया था, तो हमारा आ रहा था ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, जब सोल्व किया था ए बी मैं निकाल चुका हूं, और माइनस बी ए भी निकाल चुका हूं, बस हम आपको कंपेयर करना है, सबसे बढ़िया इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो यहां से ए का वैल्यू वन आ गया, और इन दोनों को कंपेयर कर लो, डायरेक्ट बी का वैल्यू आ गया। सो व्हाट इज द ए एंड बी वैल्यू? ए का वैल्यू वन आ गया और बी का वैल्यू फोर आ गया। ए इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू फोर, कोई दिक्कत? नो सर। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए और करते हैं बेटा, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ कैपिटल ए इक्वल टू, थोड़ी सी लेंथी प्रॉब्लम लेकिन इजी है और आ चुकी है सिक्स मार्क्स में। इफ कैपिटल ए इक्वल टू वन जीरो टू जीरो टू वन टू जीरो थ्री एंड ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस के आई इक्वल टू जीरो, फाइंड के, हमें के का वैल्यू निकालना। देखो पहले मुझे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा और ए क्यूब निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकाल, देखो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा ए क्यूब, तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकाल रहा हूं, अभी सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा जितने भी स्टूडेंट। वन जीरो टू जीरो टू वन टू जीरो थ्री, वन जीरो टू जीरो टू वन टू जीरो थ्री। बेटा मैं पहला एलिमेंट बताओ डायरेक्ट। सर फाइव। फाइव आएगा, बिल्कुल सही है, वन प्लस जीरो प्लस फोर फाइव। एसना दूसरा एलिमेंट बताओ। एसना है कि नहीं है? यस सर। बोल बेटा सेकंड एलिमेंट। यस सर, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, दैट इज जीरो। जीरो आ रहा है बेटा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। इसरा थर्ड एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इसरा। कितना? टू जीरो सिक्स एट आ गया, ठीक है बेटा। भरत ये वाला एलिमेंट, भरत हाँ सर एक मिनट, आराम से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, टू आएगा सर। बिल्कुल सही है, टू आएगा। चिन्ह में बीच वाला मिडिल एलिमेंट। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। को किसको नहीं आया? सिद्धिका।
बेटा यही तो बात है, मैं कल से फिर कल क्या बोल रहा था, मैं यही तो बोल रहा था कि आप कल एब्सेंट क्यों थे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तेरे को फर्स्ट रो दिख रही है? पहले वाले मैट्रिक्स की रो देखना है, दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम देखनी है। हाँ। फर्स्ट रो में क्या लिखा हुआ है? 0102। इधर फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है? 102। तो 1 पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई हुआ, 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, 1 प्लस 0 प्लस 4 कितना आ गया? ठीक है सर, आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 प्लस 0 प्लस 6 8। आया समझ में? हाँ सर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 0 प्लस 2 2। चिनमय अब तेरा नंबर था बेटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 4। ठीक है राहुल, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 2 प्लस 3 5। बिल्कुल सही है बेटा। नमन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8। चलो भूमिका, सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0। चलिए इसके बाद देव, थर्ड रो थर्ड कॉलम 13 कितना आ रहा है? 13 13। ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। क्या ए स्क्वायर में किसी को दिक्कत है? अब मुझे निकालना है ए क्यूब। ए क्यूब होगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए। ए स्क्वायर आ रहा हमारा 508 2458 0 13 मल्टीप्लाइड बाय ए 102 021 203। बेटा दिशा पहला एलिमेंट बताओ। बोलो। एक मिनट अपनी आंखों को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जमाओ, अपना दिख जाएगा। 21। ठीक है रिंकल, बेटा दूसरा एलिमेंट रिंकल। हाँ हाँ बोलना बेटा, दूसरा एलिमेंट 8। कहाँ से 8 आ गया बेटा? 0 आ रहा है ना, ध्यान से देख। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। हाँ सर 0 0। वेदेश, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बेटा 34। सही है। और कोई बचा है बेटा जिसका मुझे पता नहीं है इनके अलावा, जो क्लास में अटेंड है? यही yes, है ना sir. कौन? इशिता। हाँ इशिता बेटा, सॉरी भूल गया तेरे को। इशिता बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 12। बिल्कुल ठीक है बेटा। सिद्धिका, सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहले सेकंड रो ध्यान से देखना फर्स्ट वाले की, और सेकंड कॉलम इधर की ध्यान से देखना बस, जिसमें काम हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 10 10। कहां से आ गया बेटा? तुम्हारा तो 8 8 8 सर। हाँ 8 आएगा, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। और कोई बचा सब? ज्योति तो, और ज्योति क्या भरत बेटा, ये वाला एलिमेंट बता। 23 4 प्लस 4 8 प्लस, सही है बिल्कुल बेटा 23। आयुष, ये वाला एलिमेंट बता। 8 प्लस 0 प्लस 26 34 34। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब आ गया मतलब सबको मल्टीप्लाई करना। फिर नमन, ये वाला एलिमेंट बता। यस सर। ये वाला एलिमेंट 0 0 0 0 आएगा। अरे 0 प्लस 0 प्लस 0
ठीक है सर। सिद्धि का एक लास्ट वाला और बता दे तू, ताकि मुझे पता लग जाए तेरे को आया कि नहीं आया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, नाम भूल जाओ तो नाम पुकारो, बोल। एक मिनट सर। सिर्फ थर्ड रो थर्ड कॉलम देखनी है बेटा बस। 53 कहां से आ गया? 55 ठीक है। अब हमारा ये हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया। अब मैं इस एक्स्ट्रा इसको ले रहा हूं भाई, ए क्यूब माइनस जो भी आपकी इक्वेशन है। अब देखो मैं इसको चालू कर रहा हूं, ये 6 मार्क्स में आया था भाई लास्ट टू लास्ट ईयर। ए क्यूब माइनस 6a² + 7a + ki = 0। ए क्यूब की वैल्यू ये रख दी मैंने 508 245 8013 - 6a² आप एक स्टेप बढ़ा देना, लेकिन मैं ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सॉरी ए क्यूब मैंने गलत, आपने ए स्क्वायर, अरे हाँ 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 देखिए 21 0 34 12 8 23 34 0 55 - 6a² बेटा इस a स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करो सबको, बोलो 30 0 48। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एक स्टेप बढ़ा देना, 12 डायरेक्ट भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ये आ गया भाई, ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 7a, ये रहा a, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7 0 14 0 14 7 14 0 21। KI जानते हैं ना बेटा सभी, भरत एक आई क्या है, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा यहाँ आई? सर डायगोनली वन आएगा। नहीं डायगोनली वन तो आएगा बेटा, लेकिन कौन से ऑर्डर का आएगा यहाँ? थ्री ऑर्डर का आएगा, और के से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल में के आ जाएगा बस। हाँ सर। और इक्वल टू जीरो मतलब जीरो 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 ऐसे लिखोगे, जीरो 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 जीरो। क्या ये स्टेप समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। अब देखो इनको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 21 - 30 21 - 30 + 7 + k, ये वाला स्टेप जीरो आ गया भाई। 34 - 48 + 14 + 0 12 - 12 + 0 + 0 8 - 24 + 14 + k 23 - 30 + 7 + 0 34 - 48 + 14 + 0 फिर ये आ गया आपका 0 - 0 + 0 + 0 और लास्ट है 55 - 78 + 21 + k एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। अब यदि मैं इनको सोल्व कर रहा हूं तो बेटा ध्यान से देखो, -2 + k आ रहा है बस, 0 0 0 - 2 + k 0 0 0 - 2 + k इक्वल टू 0 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
लो माइनस टू प्लस के जीरो के इक्वल है, तो यहां से हमें के का वैल्यू टू मिल गया। ये सिक्स मार्क्स में पूछा गया था, लेकिन प्रॉब्लम बड़ा इजी था। यदि किसी को मल्टीप्लीकेशन करना आता है, मल्टीप्लीकेशन में मैंने क्या बोला, मल्टीप्लीकेशन इजी है, सिर्फ अपना ध्यान पहले मैट्रिक्स के रो पे रखो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम पे रखो, बस उनको देखते हो, बस उन्हीं को देखो, बाकी किसी को मत देखो। अपना आप आपका सारा आंसर लिखता हुआ आ जाएगा, कभी गलत नहीं। बेटा सबको क्लियर है ये? बेटा ये प्रॉब्लम क्लियर है सबको? यस यस सर। चलिए अब मैं एक दो प्रॉब्लम और बता रहा हूँ जो अच्छी है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और पूछी जा चुकी है, उसको देखते हैं।
या आपको लेक्चर नंबर टू या थ्री में मिल जाएगा बेटा, ये वाली प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताई, आई थिंक लेक्चर नंबर थ्री का पहला ही प्रॉब्लम है, देख लेना, मैंने तीन लेक्चर में आपको भेज चुका हूं। फाइंड अ टू इंटू टू मैट्रिक्स बी, बी सच डेट टू फाइव माइनस थ्री सेवन बी इक्वल टू सेवनटीन माइनस वन फोर्टी सेवन माइनस थर्टीन। ये हमें सोल्व करना है। अब देखो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये टू इंटू टू ऑर्डर का है, बी उसने बोल दिया टू इंटू टू नहीं होता तो हमें निकालना पड़ता कि ये टू इंटू टू हो, ये टू इंटू टू, ये टू इंटू टू, तो ये भी टू इंटू टू हो। तो पहले आप बी सपोज कर लोगे बेटा, जैसे भाई बी मान लिया मैंने ए बी सी, ये चार एलिमेंट मान लिया। तो ये आ गया आपका टू फाइव माइनस थ्री सेवन ए बी सी डी इक्वल टू सेवनटीन माइनस वन फोर्टी सेवन माइनस थर्टी। यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिद्धिका पेर से स्टार्ट करेंगे बेटा। पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या आएगा? टू ए फाइव सी प्लस फाइव सी, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? इसरा बेटा सेकेंड एलिमेंट कमंगली, हाँ बोल बेटा, टू बी प्लस फाइव सी, बिल्कुल ठीक है। दिशा थर्ड एलिमेंट माइनस थ्री ए प्लस सेवन सी, बिल्कुल सही है बेटा। भरत फोर्थ एलिमेंट माइनस थ्री बी प्लस सेवन डी, बिल्कुल सही है बेटा, इक्वल टू सेवनटीन माइनस वन फोर्टी सेवन माइनस थर्टी। अब आप इनको कंपेयर करके इक्वेशन सोल्व करना है बेटा। पहला कंपेयर किया तो टू ए प्लस फाइव सी इक्वल टू सेवनटीन माइनस थ्री ए प्लस सेवन सी इक्वल टू फोर्टी सेवन। ये ए और सी में दो इक्वेशन आ गई बेटा, इनको सोल्व करने का मैं तो एक ही तरीका यूज करूंगा, अब आप कोई सा भी यूज करें क्योंकि आगे भी काम आएगा। हम केवल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पहले ऐसे लिखेंगे सबको, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड समझना सब, पहले तो इक्वल टू जीरो लिख देंगे सब, कोई दिक्कत? नो सर। पहले इक्वल टू जीरो लिख देंगे सब। अब देखना बेटा मैं कैसे लिख रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड समझना है सबको। ए अपॉन माइनस सी अपॉन वन अपॉन, ये फिक्स है ऐसे लिखना, ए अपॉन माइनस सी अपॉन वन अपॉन। बेटा ए की वैल्यू निकालनी तो ए को मत देखो, पहले इस फाइव को माइनस फोर्टी सेवन से मल्टीप्लाई करो भाई, माइनस टू थर्टी फाइव, माइनस टू थर्टी फाइव माइनस फॉर्मूले का। अब इस सेवन को माइनस सेवनटीन से मल्टीप्लाई करो, माइनस वन वन नाइन। क्या ये जो मैंने लिखा है ये सबको समझ में आया? दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को मत देखो, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा माइनस फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो फाइव मल्टीप्लाई हुआ माइनस फोर्टी सेवन से, माइनस फॉर्मूले का है, सेवन मल्टीप्लाई हुआ माइनस सेवनटीन से। इसमें कोई डाउट है किसी को? बेटा बोलो सब। No, भाई। अच्छा सी की वैल्यू निकालनी तो सी को छुपा लो, मैंने क्या बोला पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा, बोलो टू को माइनस फोर्टी सेवन से मल्टीप्लाई करो, नाइनटी फोर माइनस का माइनस फॉर्मूले का, माइनस थ्री को माइनस सेवनटीन से मल्टीप्लाई करो, फिफ्टी वन फिफ्टी वन। आया समझ में?
अब वन की वैल्यू निकालनी तो कांस्टेंट छुपा लो, टू को सेवन से मल्टीप्लाई करो 14, माइनस थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करो माइनस 15। बेटा ये मेथड बहुत इजी मेथड है, जितना आप उसको एलिमिनेशन मेथड से निकालोगे उतने में तो इसका आंसर ही निकल जाएगा, और हमें ये इसलिए यूज करना है क्योंकि आगे जाके जिन्होंने हमारा, हिमांशी है कि क्लास में, हिमांशी आई तो थी यार, मैं भूल गया कि चली गई। चलो, जिन्होंने वेक्टर 3D पढ़ रखा है, ऐसा वेक्टर 3D पढ़ा था हमने? यस सर। उसमें हमने कौन सा मेथड यूज किया था इक्वेशन सोल्व करने के लिए? सर यही वाला। हाँ, एक ही मेथड यूज में आता है, और कोई मेथड यूज आता ही नहीं है, तो आगे जाके आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। किसी को नहीं आएगा तो अभी फिर समझा दूंगा। बेटा माइनस 235 प्लस 119 करना कितना आ रहा है? 116 माइनस का ये कितना आ रहा है? 43 माइनस 43 माइनस 43 के साथ 145। ठीक है, नहीं सही आ रहा हूँ, और ये आ गया 14 प्लस 15 29, ये माइनस सी है। अब देखना बेटा, ए का वैल्यू माइनस 116 अपॉन 29, फोर टाइम जा रहा होगा तो ए का वैल्यू माइनस 4 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और सी का वैल्यू 5 आ गया, ये ए और सी का वैल्यू आ गया। एक और दोबारा मैं बताता हूं, 2b प्लस 5d, एक और बार देखना बेटा सब, 2b प्लस 5d इक्वल टू माइनस 1, और दूसरा है माइनस 3b प्लस 7d इक्वल टू माइनस 13। मैं सबको इधर ले आऊंगा, देखो माइनस 3b प्लस 7d प्लस 13 इक्वल टू 0। अब वापस से समझना बेटा, जिसको नहीं समझना है, b अपॉन माइनस d अपॉन 1 अपॉन b अपॉन माइनस d अपॉन 1 अपॉन। चलो बेटा भरत, आप बताओ पहला एलिमेंट क्या आएगा b का, b को छुपा लो, फिर बताओ कितना आ रहेगा? 13 कितना हुआ? 65 माइनस फॉर्मूले का 7 1 से मल्टीप्लाई हुआ 7। ये समझ में आया सबको? यस, वापस समझा दो। बी की वैल्यू निकालनी तो बी को छुपा लो, ये 5 मल्टीप्लाई होगा 13 से, कर बेटा इस तरह 5 13 से मल्टीप्लाई कर, माइनस 4 मिलेगा, और ये 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हुआ? 7 माइनस 70 डी नहीं आएगा, ओनली कांस्टेंट लेना है, डी क्यों बोल रही है? ठीक है सर। अब d की वैल्यू निकालनी तो d को छुपा लो, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 13 से, बोलो कितना हुआ? 26 माइनस 4 मिलेगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो माइनस 3, और ये माइनस हो रहा है तो प्लस 3 हो, प्लस 3 1 अपॉन, वापस से बोला 2 इंटू 7 14 और माइनस 15 माइनस 4 मिलेगा, तो ये आ गया b अपॉन 58, d अपॉन ये माइनस नीचे चला जाएगा माइनस 29, 1 अपॉन 29, b का वैल्यू आ गया 58 अपॉन 29, 2 आ गया बेटा, और c का वैल्यू आ गया माइनस 29 अपॉन 29, माइनस 1 आ गया। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। सो हमारा मैट्रिक्स b आ गया, हमने माना था ए बी सी डी लिखना जरूरी है, लोग बाग यही छोड़ देते हैं। ए का वैल्यू आ रहा है हमारा माइनस 4, बी का वैल्यू आ रहा है 2, सी का वैल्यू माइनस 1 आ रहा है, और डी का वैल्यू हमारा आ रहा है, डी का निकाला था ना अपन, ये डी का वैल्यू, बी का वैल्यू 2 आ रहा है, सी का वैल्यू आ रहा है 5, और डी का वैल्यू माइनस 1 आ रहा है। क्या बेटा? क्या
कोई बोल रहा था कुछ क्लियर है? यस सर। अभी बिल्कुल एक और टाइप की प्रॉब्लम, अभी मैं दो तीन प्रॉब्लम इसी पे करवा रहा हूँ, इसी मेथड पे, जिसमें आपको ये सोल्व करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, फिर किसी को नहीं आए लास्ट में एग्जाम में तो आप एलिमिनेशन से करे आना, लेकिन सबसे इजीएस्ट ये पार्ट है, इससे जल्दी होगा। एक और कर रहा हूँ बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम, अभी हमारी दो प्रॉब्लम हो जाएगी 15 मिनट अभी। तो देखो सर, इफ ए इक्वल टू टू माइनस वन थ्री फोर, बी इक्वल टू फाइव टू सेवन फोर, सी इक्वल टू टू फाइव थ्री एट, फाइंड मैट्रिक्स डी, फाइंड मैट्रिक्स डी सच डेट सी डी माइनस ए बी इक्वल टू जी। हमें मैट्रिक्स डी निकालना है और इस तरह से निकालना है कि सी डी माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। अब देखते जाना बेटा, सी डी माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, तो सी डी इक्वल टू ए बी, सी का ऑर्डर 2 × 2 है बेटा, ए का ऑर्डर 2 × 2 है, बी का ऑर्डर भी 2 × 2 है, तो ऑब्वियसली डी का ऑर्डर भी कितना आएगा, डी का ऑर्डर भी कितना आएगा बेटा, 2 × 2, तो मेरे को डी सपोज करना पड़ेगा क्योंकि ये निकालना है मुझे ए बी सी डी। तो मैं निकाल रहा हूं सी डी इक्वल टू ए बी। देखो इधर, सी 2 5 3 8, डी ए बी सी डी इक्वल टू ए 2 − 1 3 4 मल्टीप्लाइड बाय बी 5 2 7 4, 5 2 7 4। बेटा पहला एलिमेंट बताइए ट्विंकल, बेटा पहला एलिमेंट क्या आएगा इसका, पहला एलिमेंट क्या आएगा बोल बेटा, बोलो, है कि नहीं, चली गई, फर्स्ट एलिमेंट बता ना बेटा, 2a + 5c। हाँ बेटा ठीक है, दिशा सेकंड एलिमेंट 2b + 5d, आयुष थर्ड एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट 3a + 8c, 3a + 8c, फिर राहुल बेटा ये वाला एलिमेंट 3b + 8d, ठीक है बेटा। इधर से भरत फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट एन 3 आ गया, बिल्कुल सही है बेटा। सेकंड एलिमेंट इसरा बोल, बेटा भूल जाओ कभी भी, टेन कहां से आ गया बेटा, 10 − 7 तो बता दिया थी मैं, तो ये वाला एलिमेंट पूछ रहा हूँ बेटा, ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नाम जीरो, जीरो क्यों सर, फोर, सॉरी सिद्धिका, ये वाला एलिमेंट कौन सी रो कौन सी कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, नाम पुकारा करो यदि भूल जाओ तो, -5। अरे -5 कहां से आ गया, तेरा सेकंड रो क्या है बेटा, तेरे को सेकंड रो दिख रही है इसकी, सेकंड रो क्या होगी पहले वाले की, हाँ 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 सर 15, हाँ और 8, 8 फिर हुए ना, अरे इधर का सेकंड कॉलम लेना है, फर्स्ट कॉलम लेना है, इधर का सेकंड रो लेना है, पहले वाले का रो लेते हैं दूसरे वाले का कॉलम लेते हैं, तू दोनों का रो ले रही है यार, दोबारा बोल, पहले वाले का रो ले दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम ले,
तो इधर का सेकंड रो लेना है, इधर का फर्स्ट कॉलम लेना है। अब बोल दोबारा। 15, 20, 15 और 28। हाँ ये याद रखना है, पहले वाले मैट्रिक्स का हमेशा रो लेना है, दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। भूमि का सेकंड रो सेकंड कॉलम का 8। हाँ। 8 कहाँ से आ गया बेटा? सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो दिख रही है इधर को? 18। हाँ 18 में क्या दिख रही है सेकंड रो? 3 और यहाँ पे 2 और 4। अरे सेकंड रो इधर की सेकंड रो देखनी है बस, उधर की कहाँ जा रही है तू? 3, 4। अब 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से और 4 होगा 4 से। अब बोल कितना आया? 20, 23। अब देखो कंपेयर करो, 2a प्लस 5c इक्वल टू 3a, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस 3 इक्वल टू 0, 3a प्लस 8c माइनस 43 इक्वल टू 0। देखना बेटा a अपॉन माइनस c अपॉन 1 अपॉन, बताओ बेटा a अपॉन क्या आएगा? कोई भी एक जना बोलो a अपॉन क्या आएगा, कौन किससे मल्टीप्लाई होगा? 24 कहां से आ गया? उल्टा मत जा बेटा, सीधा जाना है, तो उल्टा जा रहा है। -24 पहले ऐसे जाना है, 5 को -43 से मल्टीप्लाई करो -215। बिल्कुल सही है, माइनस फॉर्मूले का। 8 को -3 से मल्टीप्लाई करो -24, लेकिन माइनस फॉर्मूले का था तो बीच में क्या हो गया? +24। प्लस आया समझ में? हमेशा पहले ऐसे जाना फिर ऐसे जाना बेटा, उल्टा नहीं जाना। क्लियर है? अरे क्लियर है? यस सर। चलो माइनस सी अपॉन क्या? हाँ बेटा बोल, क्या बोल रहा बेटा? ए की वैल्यू निकालनी है, ए को छुपा लो, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 माइनस 43 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया, फिर ये जो मल्टीप्लाई होगा इसका उल्टा लिखना है, ये माइनस 24 आ रहा है तो प्लस 24 लिखना है, बस इतना सा काम करना, पहले ऐसे जाना फिर ऐसे जाना। चलो भरत बेटा अगला वैल्यू बता, माइनस सी के नीचे क्या आएगा? 2 into 8 कहाँ से आ गया बेटा? सी के नीचे बोल रहा हूँ, तो सी तो छुप गया ना। हाँ सर, 2 into -43 तो ये हो गया -86, और ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 -15 आ जाएगा सर। अरे नहीं सर, फिर -9 तो -9 का +9 होगा, ये इधर वाला उल्टा है। हां सर, चलिए 1 अपॉन देव 1 अपॉन सर -16 +15। ना ना, -16 कहां से आ गया बेटा? 16 ही तो आया सर, इसका प्लस साइन। 16 हां, वो मैंने उल्टा लिख लिया था मैंने। 16 -15 तो a अपॉन आ गया -191 माइनस c अपॉन -77 1 अपॉन 1। तो बेटा यहां से देखो, a का वैल्यू आ गया आपका -191 और c का वैल्यू आ गया 77, ये दो वैल्यू आ गया। क्लियर है? यस सर। और ऐसे ही b और d की वैल्यू निकल जाएगी आपकी सेम। भाई आपकी इच्छा है, यदि आप एलिमिनेशन लगाना चाहते हैं मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन हार्ड पड़ेगा बेटा। 2b + 8d = 0, 3b + 8d - एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, b अपॉन -d / 1 अपॉन बोलो b अपॉन, ये जीरो है यहाँ पर इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बोलो 8 into -22। अरे यार ये गलत लिख दिया था मैंने। चलो अब बोलो 5 into -22 बोलिए -11 10 और ये तो जीरो हो ही गया। d माइनस d अपॉन 2 into -22 -44 16 -15 तो b का वैल्यू -110 आ गया और d का वैल्यू 44। बस हमें ABCD निकालना है, उसके बाद तो मैट्रिक्स निकल ही जाएगा। तो हमारा मैट्रिक्स डी था ABCD, ये कितना रहा? -191।
बी कितना आ रहा माइनस वन वन जीरो, सी कितना आ रहा 77 और डी आ रहा 40। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह की प्रॉब्लम कल करके और क्या फिर हम कल अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में सिर्फ इतना पूछा जाएगा आपसे, इस तरह की प्रॉब्लम मैट्रिक्स में आएगी। एक टाइप की प्रॉब्लम कल और बतानी है आपको और उसके बाद फिर हम सिमेट्रिक और उसकी सिमेट्रिक की बात करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. कल और परसों आपका, क्योंकि देखो एक पार्ट हट गया है इसका, एलिमेंट्री ऑपरेशन हट गया है, एक्सरसाइज 3.4। तो बस मैट्रिक्स में आपका सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक लास्ट टॉपिक है उसका, बस इतना है। तो परसों तक कंप्लीट हो जाएगा, परसों नहीं होगा तो अगले दिन हो ही जाएगा। कल फ्राइडे सैटरडे संडे को भी क्लास रखेंगे तुम्हारी, तो संडे को 100% डिटरमिनेंट चालू हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर? यस सर। चलो थैंक यू सर। ओके बेटा, अगली क्लास है मेरी, मैं छोड़ इसका वीडियो में 8 बजे